बड़े पर्दे पर कल एक बड़ी हस्ती की फिल्म रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर ने उसका एक सेकंड ट्रेलर रिलीज किया है। तो आज इस सेकंड ट्रेलर का रिव्यू और रिएक्ट करते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं कि फिल्म कैसी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस सुख समृद्धि की हम कल्पना करते हैं, ये सिनेमा वाले उसे दिखा देते हैं। पर्दे पर जो दृश्य दिखता है हम उसे मान लेते हैं। ऐसा ही पर्दा सिनेमा घरों के बाहर है, जो इस देश के भोले भाले नागरिकों के आंखों के सामने लगा हुआ है। उन्हें जो दिखाओ उसे मान लेते हैं। किसी गोरख नाम के आदमी ने पापा की हत्या कर दी। ये खबर भी चारों तरफ फैली हुई है कि ये गोरख से कुछ दिनों के लिए संघ में भी था। हम जब भी कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर जनता को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है। एक माँ और उसके बेटे ने भारत माँ और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतार कर धरती पे लाने का। अवर पोकरन टेस्ट इज सक्सेसफुल। एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम है, और कोई जवाब नहीं। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। बीपी सिंह की सरकार गिरनी चाहिए। विरोधी पूछ रहे हैं कार सेवा क्यों होनी चाहिए। मैं बताऊंगा, सभा का आयोजन करो, मैं आपका माध्यम। पाकिस्तान को सूचित कर दे, भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए। दोस्तों, ये था मैं अटल हूं मूवी का सेकंड ट्रेलर, और मूवी कल 19 जनवरी को बड़ी स्क्रीन पर एक बड़े महापुरुष की फिल्म रिलीज की जा रही है, और एक बहुत ही बड़ा मौका भी इस समय पर है। 22 जनवरी 2024 जो पूरे विश्व में एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, हम इसके साक्षी प्रमाण बनने जा रहे हैं। ये फिल्म है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के 10वें प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित। ये पूरी तरह से बायोपिक फिल्म है, और इसके अंदर वो सारी घटनाएं दिखाई गई हैं जो इतिहास में घटी हैं और रियलिटी में। फिल्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है ट्रेलर के अंतर्गत, उनको हूबहू कोशिश की गई है डायरेक्टर के द्वारा कि उनको बिल्कुल उसी प्रकार से उनका गेटअप तैयार किया गया है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल आप देख लीजिए जो कि पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है। तो बिल्कुल वही लुक, वही लिहाजा, वही कपड़े, वही कॉन्सेप्ट बोलने का, वही तरीका। ऐसे ही इसमें इंदिरा गांधी का भी रोल और गेटअप बिल्कुल वैसा ही तैयार किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी का भी रोल बिल्कुल वैसा ही दिखाया जा रहा है जैसे हम रियल में उसी को देख रहे हैं। और तो और हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिल्म के अंदर इतनी सारी जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं, तो जिनमें से मैं आपको काउंट कराता हूं, जैसे कि राम जन्मभूमि की लड़ाई, बाबरी मस्जिद पर जो अटैक हुआ था, उसका डेमोलिशन हुआ था, उसको दिखाया है। कार सेवकों पर गोली चलवाई मुलायम सिंह ने, उसको भी इसमें दिखाया गया, जिसमें अटल जी कहते हैं कि मैं अयोध्या आ रहा हूं। इसके अलावा इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी लोगों के ऊपर, तो उसको भी इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा। ये सब घटनाएं जो हमने रियल लाइफ में देखी तो नहीं है, लेकिन सुना जरूर है, अब इनको देखने का मौका हमको मिलेगा रियल लाइफ में, यानी कि रियल स्क्रीन पर, बिग स्क्रीन पर। तो फिल्म जरूर देखने के लायक है उन लोगों को जिन्हें अपने देश से प्यार है और जो अपने देश का इतिहास जानना चाहते हैं, जिन्हें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी क्या थी, जो आपका वो हुआ था न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था, परमाणु
का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था पोखरण में राजस्थान में, उसको भी इसमें दिखाया जा रहा है। भारत और दिल्ली के, भारत और पाकिस्तान के बीच में बस सेवा जो शुरुआत की थी वो भी प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा कारगिल का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय ही बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और भारत ने उसमें बड़ी जीत हासिल की थी। इस घटना को भी इसमें दिखाया जाएगा। तो काफी सारी घटनाओं को इसमें दिखाया जा रहा है। फिल्म वास्तव में देखने के लायक है। उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी और लोगों को ट्रू घटनाओं से हुबहू रूबरू होने में मदद करेगी। लोग अपने इतिहास के बारे में इस फिल्म के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। डेफिनेटली द फिल्म इज, द ट्रेलर इज गुड ऑफ दैट मूवी, वर्थ वॉचिंग, देखने लायक ट्रेलर है। और सेकंड ट्रेलर ये रिलीज हुआ है, फिल्म कल रिलीज हो रही है 19 जनवरी को। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेलर आपको काफी अच्छा लगा होगा। फीडबैक मैंने जो देना था दे दिया ट्रेलर को देख करके। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रेलर ऑफ एनी अपकमिंग मूवी, वी आर कमिंग सून विद अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, सी यू।